मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के बेटे जुनेद सफदर के वलीमा की तकरीब 17 दिसंबर को लाहौर में होने जा रही है। याद रहे कि जुनेद सफदर और आयशा सैफ खान का निकाह 22 अगस्त 2021 को लंदन में हुआ था और अब वलीमा आइंदा माह में लाहौर में होगा। शरीफ खानदान के करीबी ज़राए ने बताया है कि जुनेद के वलीमा की तकरीब जाती उम्रा लाहौर में दिसंबर में मुनक्कद होगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। याद रहे कि शरीफ खानदान की रिहाइश रायवंड में है, जबकि इम्कान है कि जुनेद की दुल्हन आयशा की रुखसती इस्लामाबाद से होगी। बताया गया है कि वलीमे की तकरीब में खानदान के अफराद के अलावा सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी शरीक होगी। मरियम नवाज के वालिद और जुनेद सफदर के नाना नवाज शरीफ के बारे में मालूम हुआ है कि वो लंदन से वीडियो लिंक के जरिए वलीमा की तकरीब में शरीक होंगे। याद रहे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नवासे जुनेद सफदर और साबिक चेयरमैन नैब सैफुररहमान की बेटी आयशा सैफ की निकाह की तकरीब रवां बरस अगस्त में लंदन के लेंसबोरो होटल में हुई थी, जिसमें दुल्हा और दुल्हन के करीबी दोस्तों ने शिरकत की थी। तकरीब में मियां नवाज शरीफ ने भी शिरकत की, ताहम जुनेद की वालदा मरियम नवाज और वालिद कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान ने वीडियो लिंक के जरिए तकरीब में शिरकत की थी। इस तकरीब का सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रहा था और जोड़े की तस्वीर के साथ जुनेद सफदर की जानिब से मोहम्मद रफी का मशहूर गीत क्या हुआ तेरा वादा गाने की वीडियो भी वायरल हुई थी। जुनेद की दुल्हन आयशा सैफ खान नवाज शरीफ के करीबी साथी सैफुररहमान खान की बेटी हैं, जो 1997 में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दूसरे दौर में एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रहे थे। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।